अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वालेकुम सलाम। जी क्लियर। माशाल्लाह से आजकल हमारी क्लास की जो तादाद है ना, बहुत ज़्यादा है। मुझे नंबर्स रीड नहीं होते, नज़र नहीं आ रहे होते। चले एनीवे, क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप कल आए भी थे तो आपने भी देखा, लेकिन मैं अगर सीरियस एक बात आपको बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, जो अभी हमारे पास ये 10 लाइव हैं तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ये कल आए थे, कल जो सेक्शन हुआ था तो आए थे आप? सर अभी इशा की नमाज से फारिग नहीं हुए इसलिए तादाद कम है, 9:30 तक आ जाएंगे। ओके, 9:30 पर भी हम देख लेंगे। जी सर, मैं आया था, मुनीर कह रहे थे मैं आया था। यस सर, आसिफ खान भी कह रहे मैं आया था। ओके, इसके अलावा नो सर, मंडी वाहुद्दीन से हूँ। ओके, मंडी वाहुद्दीन से मोहम्मद नवीद। ओके, इसके अलावा जल्दी से। बस आई एम फ्रॉम लाहौर, हाफिज रिजवान कह रहे हैं। ओके, चले क्या कर सकते। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कौन बताएगा? जैसा कि आपको बताया कि 15 से 20, आज 8 हो गई है, 10 दिन, 10 दिन भी आप समझ सकते हैं, 8 दिन भी आप समझ सकते हैं, 12 दिन भी आप समझ सकते हैं। तो बस कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों का टेस्ट है, तो तैयारी होगी आपकी, ठीक है? नहीं है तो आप कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें, पावर पॉइंट देखा था, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में हम क्या काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट में हम क्या काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट में हम क्या काम करते हैं, पावर पॉइंट से हम क्या काम ले सकते हैं। जी मुझे बताएं पावर पॉइंट पर क्या काम हमने किया था और हम पावर पॉइंट से क्या काम ले सकते हैं, जल्दी से आप मुझे। जी तो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन की कोई कुछ भी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है? किसी टॉपिक के ऊपर भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।
तो प्रबंधन के ऊपर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं अगर आपको आता हो, आपको चीज़ों के बारे, टूल्स के बारे में, कमर्स के बारे में पता होगा तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक और बात करूँगा कि आप में से बहुत सारों के लिए आप में से कुछ ऑनलाइन भी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, अपने अपने फील्ड में। तो जो टेक्नोग्रिड्स की वीडियो है ना, तो उसके अंदर कैनवा की क्लासेस भी हैं, कैनवा की भी क्लासेस हैं, अडोब इलस्ट्रेटर उनका स्टार्ट हुआ है, तो वो भी आप कोशिश करें कि देख लें, ताकि कभी आपको हल्की फुल्की अपने काम के मुताबिक, अपने ज़रूरत के मुताबिक अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, पोस्टर बनाना है, तो वो आप इजी से बना सकें। अगर आपको कुछ हल्की फुल्की कोई वीडियो एडिट करनी है, वीडियो के ऊपर कोई टेक्स्ट कुछ भी एक्स वाई जेड प्रोफेशनलिज्म में, तो आपको आना चाहिए। कि ऑडियंस किसी यूनिवर्सिटी पर्सन, बिल्कुल जैसे कि रिजवान, हाफिज रिजवान ने कहा है, किसी भी प्रोडक्ट सिटी पर्सन कंपनी सेल्स एड्स वगैरह प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, तो उसके अंदर हमने कैनवा भी देखा था, तो आपके नहीं है तो उसमें आप देख सकते हैं, कैनवा की यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, कैनवा की भी और एडोब इलस्ट्रेटर की बेसिक आपको नॉलेज आ जाएगा। आप फिर जिस तरह का चाहें आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो हम शेयर स्क्रीन करते हैं और पावर पॉइंट ओपन कर देते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें समझी थी कि हम पावर पॉइंट के अंदर विदाउट टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी नहीं लिख सकते, विदाउट टेक्स्ट बॉक्स हम कुछ भी नहीं लिख सकते। सर आवाज़ ठीक नहीं है, सर आवाज़ हल्की आ रही है। ओके, मैं देख लेता हूँ। आई अब ठीक आ रही होगी आपके पास? जी, मुझे बताएं आवाज़ अब ठीक है? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो मुझे काइंडली बता दें कि आवाज़ अब क्लियर है। ऑल क्लियर जी, आवाज़ ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पावर पॉइंट देखा था, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पावर पॉइंट जैसा कि आपको पता है, किसी भी टॉपिक, किसी सिटी पर्सन, किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी के ऊपर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप इजी से पावर पॉइंट के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास चीज़ें हैं, आजकल कैनवा के ऊपर भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कोर्स के अंदर कैनवा तो इंक्लूड नहीं है, बट अगर आपको यूज़ करना है तो यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, और टेक्नो किड्स का जो आपको मैं अक्सर कहता रहता हूँ, तो टेक्नो किड्स के आप जाएंगे यूट्यूब के अंदर प्ले लिस्ट टेक्नो किड्स की, वहाँ पे भी आपको कैनवा की वीडियोस मिल जाएगी। आप हल्का फुल्का अपने लेवल का काम कर सकते हैं अगर आप कोई इस तरह का ऑनलाइन ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो आप अपना पोस्ट, अक्सर आप पोस्ट अपनी डिज़ाइन कर रहे होते हैं या किसी से करवाते हैं, तो आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप इजी से काम कर सके। तो आप पावर पॉइंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, वर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको एक्सपोर्ट कर दें जेपैक के अंदर, पीएनजी के ऊपर, तो वो सब काम आप कर सकते हैं अगर आपको आता होगा। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और पावर पॉइंट हमने ओपन कर लिया, अच्छा। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड की थी कि पावर पॉइंट के ऊपर हम विदाउट टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसी तरह से
तो हमने एक चीज़ देखी थी कि हम विदाउट टेक्स्ट बुक कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमने होम का टैब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। आप मुझे बताएं, अगर होम के टैब के अंदर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ हमने नहीं देखी थी, वो है सेक्शन। बाकी तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। इंसर्ट के टैब में हमने टेबल भी देख लिया था, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और फोटो एल्बम तक का हमने तकरीबन पावर पॉइंट को कम्प्लीट कर लिया था। तो फोटो एल्बम हमने क्रिएट किया था, ठीक है। आपको पता है, तो जैसे कि आपको बताया था कि अगर आपकी कोई ऐसे मेमोरी मेमोरेबल पिक्चर्स हैं, फोटोज़ हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसका एक कलेक्शन बना सकते हो बहुत अच्छा सा पावर पॉइंट के ऊपर। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं, लेकिन आप ये देखेंगे 2010 से, ठीक है, इसके अंदर ये तमाम फीचर्स हैं 2010 से, तो आपके सामने ही खुद ही, ठीक है। तो ऐप्स वगैरह तो अब आना स्टार्ट हुई, पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको सही से यूज़ करना आता हो तो आप बहुत सारा काम एमएस ऑफिस के ऊपर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी हमने देख लिया था, शेप्स के ऊपर हम आ जाते हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंज है। एक चीज़ आवाज़ ओपन है। अच्छा, समटाइम क्या होता है, आप काम करने का पता होना चाहिए आपको, काम क्या करना है। अच्छा, समटाइम क्या होता है, मैं भी जब अक्सर किसी का क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो समटाइम ये होता है कि हम वो चीज़ वर्ड पे नहीं बना सकते, लेकिन वो चीज़ हमें पता है कि हम पावर पॉइंट पे बना सकते हैं, वो चीज़ हम पावर पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। समटाइम क्या होता है, एक्सेल पे हम काम कर रहे हैं, कोई हमें डिज़ाइन, कोई इस तरह का हल्का सा लोगो चाहिए, तो उसके लिए भी एक्सेल के ऊपर नहीं हम बना सकते शेप के ऊपर, लेकिन हम पावर पॉइंट के ऊपर बना के एक्सेल में शिफ्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से पावर पॉइंट में बना के हम वर्ड पे भी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी दफ़ा इस तरह से हमें करना पड़ता है, बट आपको जब चीज़ों के बारे में, कमांड्स के बारे में पता होगा, देन तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आप कर सकते। इसके अंदर शेप्स, आपने वर्ड में शेप देखी, एक्सेल में शेप देखी, दोनों में सेम थी, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर कुछ चीज़ें चेंज है, उसके ऊपर हम देखते हैं क्या चीज़ें चेंज हैं, बात करेंगे। शेप पे आता हूँ, तो आपको देखने में वही चीज़ लग रही है, ऐसी है, सही है ना, वही तमाम शेप्स आ रही हैं जो आपने वर्ड में देखी, एक्सेल में देखी, ठीक है। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर अगर आप लास्ट पे आते तो यहाँ पे एक्शन बटन आपके पास एक्स्ट्रा नज़र आ रहे होंगे, एक्शन बटन आपके पास एक्स्ट्रा नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये एक्शन बटन क्या काम करते हैं, इसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। हमने रेक्टेंगल ले लिया, वो स्क्वायर वगैरह, तमाम चीज़ें वो जो हम वर्ड के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ के आए हैं, वही तमाम चीज़ें हैं। अच्छा जी, एक और हमने शेप ले ली, ठीक है। अच्छा, इसका भी हम साइज सेम कर देते हैं, चलें इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, ओके हो गया। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपको पता होना चाहिए। अब मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट के टैब पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक आपके पास कमांड पावर पॉइंट में एक्स्ट्रा नज़र आएगी, वो है मर्ज शेप, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिकल जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है वहाँ पे आपके पास ये शो कर रहा होता है। अगर आप में से कोई एडोब इलस्ट्रेटर आप किसी ने यूज़ किया होगा तो वहाँ पे भी ये मर्ज शेप का, वहाँ पे पाथ फाइंडर के नाम से ही आता है। तो यहाँ पे मर्ज द सिलेक्टेड शेप इनटू वन और न्यू जियोमेट्रिक शेप, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं जो आपने सिलेक्टेड शेप की हुई और उसको एक न्यू जियोमेट्रिक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे यूनियन, कंबाइन, फॉर्मेट, इंसर्ट, ये अगर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, ये देखें, अगर मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ तो ये देखिएगा, मैं अब इसको, ये अब मेरे अलग पार्ट हो गए, ये देखें, ये एक आपके पास न्यू शेप बन गई, देखा आपने, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखें, ये थी आपके पास, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये देखें, ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। तो बहुत दफ़ा हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम, आपको मैं कुछ और करके दिखा देता हूँ,
मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाई और मैं यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, ये सब चीज़ें आपको पता है, मैंने इसको कर दिया ग्रुप, ठीक है। और अगर मैं इसकी आउटलाइन को भी ख़त्म कर देता हूँ, ये देखें नो आउटलाइन। अच्छा, आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये दोनों सेम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर हमें दो शेप्स को आपस में मर्ज करना है तो हम इजी सा ये मर्ज शेप के थ्रू क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। हमने दोनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आए, मर्ज शेप, और ये देखें कंबाइन कर दिया मैंने इसको, इसको मैं आता हूँ शेप आउटलाइन को और नो आउटलाइन कर दिया। ये अब आपकी एक शेप है, हमने इसको ग्रुप नहीं किया हुआ, हमने इसको ग्रुप नहीं किया हुआ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इंसर्ट पे आता हूँ, शेप पे आता हूँ, और मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया और इसको मैं कुछ यूँ अलाइन, मैंने इसको सेंटर कर दिया, ओके हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ कीबोर्ड की मदद से, सिलेक्ट किया, मर्ज शेप पे आता हूँ और ये देखें, अगर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कंबाइन कर दिया, मैंने क्या किया, एक और मैं क्या कर रहा हूँ, एक चेन बना रहा हूँ, एक चेन बना रहा हूँ। जब आपको पता है तो ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये फॉर्मेट में आया, मर्ज शेप, और मैंने इसको फ्रेगमेंट कर दिया। अब ये देखें, ये मेरा अलग पार्ट हो गया और ये मेरा अलग पार्ट हो गया, ये देखें, देख रहे हो। अच्छा, इनको मैंने पकड़ा और मैंने इसकी कर दी आउटलाइन को शेप, नो आउटलाइन। अब दोनों को पकड़ा, कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट के लिए, आपको पता है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने साइज थोड़े से बड़े लिए हुए, कोई मसला नहीं, मैं इसको नीचे कर देता हूँ और मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करने के बाद रोटेट कर देता हूँ, और मुझे अब इसको फ्लिप भी करना होगा, ठीक है। मुझे इनको क्या करना होगा, फ्लिप भी करना होगा, मैं एक एक करके इनको क्या कर देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ, आपको वो आपने देखा भी था, ठीक है। फ्लिप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जिस तरह से आप भी आपने करने, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया और इसको भी मुझे हॉरिजॉन्टल करना होगा। अच्छा जी, अब ये देखें, दोनों एक सीक्वेंस में आ गए, और मैंने क्या किया, इनका कलर चेंज कर देता हूँ और आउटलाइन को नो आउटलाइन नहीं है। अच्छा, अब मैंने एक शेप को बैक पे कर दिया, ये देखिए मैंने क्या किया, सेंड बैकवर्ड, ठीक है। इस तरह से हमें बहुत सारे डिजाइन हमें बनाने पड़ते हैं जो हम इजी से, अब ये फॉर एग्जांपल वर्ड में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर सकते हो। अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, मैं इसका साइज छोटा करना चाहता हूँ, मैं इसका साइज छोटा कर सकता हूँ, ये देखें, इसकी डुप्लीकेट चाहिए, मैं डुप्लीकेट ले सकता हूँ, ये देखें, इस तरह से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मून वगैरह, ये देखिए हम टूल्स के बारे में, बस कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, देन फिर आप हर तरह का काम कर सकते हैं। Thank you.
वाली शेप नहीं है वो, कौन पहले कर्व ले लिया, इसी को उठाया, इस शेप को पकड़ा, कंट्रोल डी किया, नीचे आया ओहो, और मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट फ्लिप कर दिया। ग्राफिकल मैंने इन सब ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया तीनों को, फॉर्मेट पे आता हूँ। अब आपका ये डिफरेंट, ये देखें बन गया, ठीक है, वो मेरे से राउंड थोड़ा सा, ठीक है, जो भी आपने बनाना है, जिस तरह की आपने ज्योमेट्रिक शेप बनानी है आप इजी से बना सकते हैं। तो आप हर तरह की पावर पॉइंट के ऊपर जिस तरह से आप चाहें आप काम कर सकते हैं, आपको ये चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं, वरना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा हम क्या बना के देखें, कौन बताएगा जी? हम इसके अलावा एक और चीज बना के देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये ध्यान से आप देखिएगा, ओहो ठीक है, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, फॉर्मेट ओहो, ये आपका अलग हो गया, ये आपका ऐसा अलग आ गया, ठीक। अब मैं इसके साथ जिस तरह से चाहूँ, मैंने इसको कंट्रोल डी किया, ये देखो इसको पकड़ा और मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। दोनों को मैंने अलाइन कर दिया, अलाइन मैंने कर दिया, अलाइन लेफ्ट, ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया, दोनों को पकड़ा, कंट्रोल डी किया और मैंने इसको रोटेट कर दिया।
जो भी आपने कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह की जितनी भी बहुत सारी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से हम और मैं कंट्रोल एम करता हूँ, ये देखें हम कोई न्यू शेप्स अगर हमने बनानी है, शेप पे आता हूँ मैं, और इसी तरह से मैंने एक और शेप ले ली, या इसी को आप पता है इस यही शेप चाहिए तो आप इसको डुप्लीकेट कर लें, और मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, ये देखें या आपने जिस तरह से भी आपने करना है, जैसे कि हमने इसको यूं कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे ले आए, और ये हमने सेलेक्ट किया दोनों का मर्ज शेप, ये देखें अब ये अलग अलग पार्ट हो गए, जिस तरह से हमें ये देखें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या काम करते हैं और क्या नहीं। इसके अलावा बहुत सारा हम काम कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे जैसे आपको चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा आप काम करते रहेंगे। एक दो चीज़ें और देखते हैं फिर हम आगे की तरफ मूव होते हैं, ताकि आप लोगों का भी इतना चीज़ हमने क्या किया। इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, और डिफरेंट आपको पता है कि भाई इसके साथ हम ये काम कर सकते हैं। पहले मैं इन दोनों को सेट कर देता हूँ, अलाइन कर देता हूँ कि ये अलाइन हो जाए, अलाइन सेंटर। अच्छा जी, अच्छा अब ये देखो यहाँ पे एक इशू आ रहा है, जब मैं इसको अलाइन सेंटर कर रहा हूँ ना तो ये इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में कर रहा है, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इस वजह से ये इशू कर रहा है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अलाइन सेंटर हो गया ये हमारा, और इसी तरह से हमने इसको पकड़ा, और जिस तरह से अभी हुआ था काम बिल्कुल वैसा ही है। ये देखो कंबाइन करना है, ये कंबाइन, ये एक शेप हो गई, ये इस तरह से डिज़ाइन आपके साथ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में आप जाते हैं तो वो क्या करेगा, आपके हर एक पार्ट को क्या कर देगा, अलग अलग डिवाइड कर देगा। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, ये यूनियन एक शेप बना दी, ये देखें, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, मैं इन दोनों को पकड़ा और ग्रुप करता हूँ, और मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसको कर दिया अलाइन मिडल, ठीक है। अब ये फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये आपका क्या हुआ है, ग्रुप हुआ हुआ, तो इस वजह से हमारा शेप नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगा इसको दोबारा से अनग्रुप कर दूँगा अलग अलग, और अब वन बाय वन इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, फॉर्मेट पे आऊँगा तो मेरे पास ये क्या करेगा दे, इसके ऊपर कोई कार्टून वगैरह बनाना चाहे हम वो कार्टून भी बना सकते हैं। हम अगर कार्टून चाहें तो हम कार्टून भी कोई ना कोई कार्टून का डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें, कार्टून का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप मुझे बताएं क्या आपके माइंड में कुछ आता है। हाँ टेक्स्ट के साथ भी हम कर सकते हैं, आपके माइंड में क्या आता है, फुटबॉल बना लें सर। हाँ फुटबॉल, हम बॉल वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ पे, फुटबॉल तो वैसे ही बन जाएगा ना, आपको पता है फुटबॉल तो वैसे ही बन जाएगा। आपको डिज़ाइन चाहिए तो ये आपके पास आते हैं, ऐसे ही है, कंट्रोल डी, फुटबॉल तो आप वैसे ही बना सकते हैं।
नहीं किया हुआ, इसको हम ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल डी। अब ये फिर वही, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इनको ग्रुप किया हुआ था, अनग्रुप कर देता हूँ मैं, तो दोबारा से अनग्रुप करके इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये ग्रुप हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये वन बाय वन को कर रहा है अभी भी, ये आ गया हमारे शेप का। देख रहे हैं आप कलर करने, इनके अंदर आप कलर कर सकते हैं जो भी आपने डिजाइन, ये देखे अब आपका ये क्या हो गया, डिजाइन बन गया। जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो आपने क्या कर दी, उसको आपने रिमूव कर दिया। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, हम इसके ऊपर टेक्स्ट को भी वो कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो अभी अभी ही देख लेते हैं टेक्स्ट का कि टेक्स्ट किस तरह से होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोल एम करता हूँ, एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ इसको मैंने, और लेआउट इसका मैंने कर दिया ब्लैंक। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से आप देखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी नाम लिख दिया, मैं सैलानी लिख दूँ ऐसे सैलानी, और मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। आप फॉन्ट स्टाइल आपने चेंज कर दें, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रख दें ताकि अच्छा लगे। कोई भी, चलो ये हमने रख दिया, इसको हमने थोड़ा सा यूं कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि मेरे पास एक इमेज है और मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट का कलर है ना वो इमेज वाला आ जाए, ठीक है। हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, पिक्चर पे आते हैं, डाउनलोड में मैं देखता हूँ कोई पिक्चर हमारे पास आ जाए। इसका नाम भी एक मेरे जहन से निकल गया था, निकल गया कि ये क्या कहते हैं, हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ये देखें, ओके हो गया, ओके हो गया। मैंने क्या किया, इस पिक्चर को सेंड टू बैक कर दिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। फिर मैंने क्या किया, पिक्चर को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, पिक्चर को सिलेक्ट किया और क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। फॉर्मेट पे आता हूँ, मर्ज शेप पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, अच्छा। इसके अलावा भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आता हूँ, मर्ज शेप, तो यहाँ पे ये देखें, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट, और ये देखें आपके पास ये अलग अलग हो गया। अब हम इसके ऊपर एनिमेशन भी लगा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं कि ये भाई, मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे कि हमारे पास ये आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाए। तो ये आगे की कहानी है, जस्ट आपको कस्टम पाथ, कस्टम पाथ, और मैंने इसको क्या यार मेरे ये तो अभी सेट करेंगे। ये लाइन मेरे से बिल्कुल सही नहीं हुई थी, वरना हम ये प्रॉपर लाइन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। बहुत इस तरह के हम काम कर सकते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर पिक्चर कैसे आई दोबारा से बता देते, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। तो डिज़ाइन आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको काम क्या करना है। जब आपको पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, मैंने फॉर एग्जांपल रिजवान ले लिया, ठीक है। मैंने इसका टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ किया, कोशिश कर रहे हैं फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट फैमिली है थोड़ी सी इस तरह अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि अच्छा भी लगे। तो ये देखिए मैं फॉर एग्जांपल नहीं ये भी थोड़ी सी सही है, ठीक है, ये भी थोड़ी सी सही है। मैंने क्या किया, इंसर्ट पिक्चर, और ये एक पिक्चर ले ली, ठीक है। अच्छा, पिक्चर का मैंने क्या कर दिया, बैक कर दिया, सेंड टू बैक, ये टेक्स्ट मेरा ऊपर आ गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, पिक्चर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आने के बाद ये अच्छा ये हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। मीन्स के मैंने पहले किस को सिलेक्ट करना है, पिक्चर, फिर टेक्स्ट को, ठीक है। तो एक छोटी सी भी अगर आप करते हैं ना सिलेक्शन में अप एंड डाउन, तो आपका पूरा काम चेंज हो जाता है। तो आप ये टेक्स्ट को जिस तरह से ये आपकी अब पिक्चर बन गई है, जो भी आपने काम करना है, आप इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं हल्का सा, ये देखा, तो वो आप सब काम कर सकते हैं। ये देखा, इसी तरह से हम बहुत सारे जो यहाँ पे हमने काम किया था वो काम भी हम ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और पिक्चर पे गया। पिक्चर पे जाने के बाद हम यहाँ पे ये पिक्चर पे आ गए, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, सेंड टू बैक, ठीक है, पिक्चर को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ड्राइंग पे आए, मर्ज शेप, ठीक है। तो आप किसी भी शेप के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर ये काम कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, फिर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके अंदर यही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हम अपने काम के हिसाब से कर रहे होते हैं। आप जितनी भी
आप जितना भी आप सर्च कर लें यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंटेशन, ठीक है, एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने का, और यही मर्ज शेप यूज़ हुई होगी लाजमी। कोई भी आपको ऐसी शेप समझ में नहीं आ रही तो वो क्या किया होता है, उन्होंने मर्ज शेप ही यूज़ की होती है। तो आप जिस तरह का भी काम करना चाहें आप इजी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सी हैं आप, मतलब कि आप कहेंगे कि ये बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई हल्का फुल्का सा, ठीक है, कोई आपने लेवल के मुताबिक कोई काम करना है, जस्ट कोई पोस्ट वगैरह। मैंने आपसे एक ही, मैं आपको कल भी मैंने एक चीज़ आपको कहा था, पहले भी आई थिंक मैंने की ही बोली होगी, कि आप कुछ ना कुछ जैसे कि जो मंथ चल रहा होता है उस मंथ से रिलेटेड कोई ना कोई पोस्ट बना के हदीस मफहूम के साथ आप शेयर किया करें, ताकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आप शेयर करेंगे तो मे बी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह के छोटे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप करने वाले हों तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना आपको काम आ गया है ना, जितनी चीज़ें आपको बता दी उसके थ्रू ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर ले, वरना फिर हम आगे की तरफ मूव होते हैं। बहुत सारे काम कर सकते हैं यार, जस्ट आप करने वाले हों ये देखें। अगर हम इसके ऊपर आते हैं, जो हमने यही काम किया है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। ये आ गया, मैंने फिर कुछ क्या, पहले हमने सेलेक्ट किया, फिर टेक्स्ट बॉक्स, और फिर अब आए और यहाँ पे आने, ये अब सही है, ठीक है। तो मैंने इन सब जो मेरे, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं फॉर्मेट पे आता हूँ, फॉर्मेट पे आने के बाद मैं यहाँ कलर पे आता हूँ, तो कोई भी ये देखें, समझ में आया यहाँ तक, तो बहुत काम आप कर सकते हैं। आप गेम वगैरह भी आप बना सकते हैं, क्या क्या हम पूरा दिन, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हम जितना भी लगे रहेंगे तो यहाँ पर हमें एक शेप हम देख लेते हैं, वो हम खुद बनाएंगे, टाइम लग जाएगा, जस्ट थोड़ा सा वो आपको नेट से भी पिक्चर मिल जाएगी, लेकिन इससे रिलेटेड एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है। चलो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसके थ्रू आपको एक चीज़ बस आप देखिएगा,
ये आपने देखा इस तरह से कुछ आ रहा है, तो क्या करें, पूरा सेट कर दें या आप सेट कर, आपको समझ में आ गया, सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, हाँ चलो। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट पिक्चर, सिलेक्शन पैन पे देख लें, सब सिलेक्ट हो गया, ड्राइंग मर्ज शेप, और ये अच्छा, ये हमने ग्रुप किया हुआ था, हम इसको ग्रुप से हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप से हटा सकते हैं। मैंने ग्रुप किया हुआ था, पहले हम आते हैं इसको, तो यहाँ पे क्यों ऐसा, कोई शेप हमने मिस कर दी थी, हमने कुछ ग्रुप किया था, नहीं किया था, तो फिर ये क्यों ऐसा कर रहा है। चलो अब अगेन देख लेते हैं, पहले आपने याद रखना है आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है, क्यों ये क्यों ग्रुप कर रहा है, वो एक इसकी ही पिक्चर एक होती है, अगर वो नेट से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, पजल इमेज के नाम से होती है, तो उसके थ्रू फिर आप इजी से इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, पजल करके एक इमेज होती है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हमें भी ये काम किए हुए, तो बस आप बना भी सकते हैं इमेज, अगर आपने बनानी है तो आप इमेज बना भी सकते हैं। चलो यार, क्या याद करेंगे आप, अच्छा मुझे ये बताएं, मैं ये जिस तरह आप पजल गेम तो खेली हुई है, मुझे वो पजल वाली शेप बनानी है, क्या बनाना पॉसिबल है ना, अगर हम पजल वाली शेप बनाते हैं, पजल गेम खेली ना, आपके पास पजल गेम होती है, उस एक इमेज होती है, उसका पूरा और उसके पार्ट अलग अलग होते हैं, उनको आपने सेट करना होता है, एक पिक्चर बनानी होती है, तो जिस तरह की पिक्चर्स आप देखते हैं बने होते हैं, उससे मिलता जुलता आप शेप के थ्रू बना सकते हैं या नहीं, ये बताएं मुझे। जी तो ये देखें, हमने क्या किया, सिंपल सा है, ये क्या हुआ, ओके अच्छा, स्क्वायर लेना होता है, अब मैंने ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर लेना होता है, तो एक और शेप ले लेते हैं हम, सर्कल, और उसको भी हमने फुल सर्कल लेना है। ठीक है, कंट्रोल डी किया, और वही तमाम चीज़ें जो आप देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दे सेट है, ऐसे ही है, सेंटर है कि नहीं है, ये सेंटर में है या नहीं, ज्यादा बड़े तो नहीं, मैंने सर्कल बना दिए, मुझे बताएं, मैंने ज्यादा बड़े सर्कल तो नहीं बना दिया, हम्म,
चलो बन भी गए तो क्या करें, तो बाद में आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता ग्राफिकल चीज़ में ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं सबको कहता हूँ मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा बना सकूँ। तो हमने क्या किया, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको अलाइन, और मैंने कर दिया नहीं, मिडल, और इसी तरह से इसको भी मुझे क्या करना होगा, इसको भी मुझे क्या करना होगा, अलाइन सेंटर, सेंटर ये सही हो गया। अच्छा अब मुझे इन सबको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद फिर क्या करूँगा, ये देखें फॉर्मेट शेप, और आप कैसा आ गया। तो आप जिस तरह से चाहें काम कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें काम कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पहले इन दोनों को पकड़ लें, ठीक है। इनको पकड़ने के बाद आप इसको क्या कर दें, यूनियन कर दें, और फिर इसको पकड़ें और इसको पकड़ लें, और इसको पकड़ने के बाद आप इसको फॉर्मेट में आते हैं, और ये देखें ये आपके पास कॉपी ले लें इसकी, क्या यार इसको आप रोटेट कर दें, ठीक है। अच्छा मेरे पर, मैंने आपको क्या कहा था, स्क्वायर लेना है, मैंने स्क्वायर नहीं लिया, ये देखें। तो स्क्वायर आपको लाजमी लेना है, हालांकि मैंने आपको बोला भी था। तो इस तरह से आप करके पूरी आप पजल बना सकते हैं, ठीक है। आप पूरी पजल बना सकते हैं। तो मैंने इसको स्क्वायर नहीं लिया था, तो स्क्वायर लाजमी लेना है ताकि आपको आइडिया हो सके, ठीक है। चलो मैं ऐसा कर लेते हैं, हम इसको ही नहीं होगा ना, नहीं होगा, चले। तो हिंट आपको मिल गया, हिंट आपको मिल गया कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। ये कब से ये तो बहुत हो गया, हो गया, हो गया यार, आहा ये क्या हो गया। चलें जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। एक चीज़ बनाई थी वो अच्छी से नहीं बनाई थी, तो अब अच्छे से बन जाएगी। तो अब यार वो ना मेरा मोबाइल मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, अब मोबाइल में सर अब शेयर हो गई स्क्रीन, मेरी पिक्चर आ रही है ना, तो बस अब हम इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने सामने। ये क्या हो गया यार। अच्छा कब से ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, ज़रा मुझे इतना एक दफ़ा कंफर्म कर दें। आवाज़ भी नहीं आ रही थी, ये बड़ा मसला हो गया। आवाज़ भी नहीं आ रही थी जी। तो अब आपको
होता है ऐसा, होता है। चले एनीवे जो भी था जो भी था, दोबारा से हम देख लेते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, 6-7 मिनट हो गए। चले स्क्रीन शेयर हो गई अब, ठीक है। थैंक यू यार, आपने बता दिया, शुक्र है। मैंने कॉल भी उठा ली वरना मुश्किल हो जाता, कॉल भी मैंने रिसीव कर ली वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो एक पज़ल, थोड़ा सा पज़ल गेम टाइप बना रहे थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, ठीक है, जल्दी एक सर्कल ले लिया, ठीक है, छोटा सा, और मैंने इसको सेंटर हो गया, वहाँ से भी आपको पता चल गया होगा, सेंटर हो गया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं और इसी तरह से कंट्रोल डी किया मैंने, और एक मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, सेंटर कर देता हूँ, अलाइन मिडल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इन दोनों को पकड़ा, नीचे वाले सर्कल को नहीं मैं सिलेक्ट कर रहा, फॉर्मेट पे आता हूँ, मर्ज शेप, और मैंने इसको कर दिया यूनियन, और फिर इन दोनों को पकड़ा और इसको मैं कर दूंगा फॉर्मेट। तो इस तरह से आप ये खुद से भी शेप बना सकते हैं। मैंने इसकी कॉपी ले ली, ठीक है, इसको आप रोटेट कर दें, इसी तरह से आप इसको भी कंट्रोल डी और रोटेट कर दें, कोई इमेज है वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए, कोई ऐसी इमेज हो जिसको पता भी चले हमें, ये आपके भाई ने बनाया है, कैसा बना था, कैनवा पे बनाया था, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये हमने कैनवा पे बनाया था। तो सेंड टू बैक कर दिया, और इसी तरह से हमने इन सब को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट शेप, और यहाँ पे आप आते हैं तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पजल बना सकते हैं। तो और बहुत सारे तरीके इसके ऊपर हम और भी बहुत सारे तरह से ये काम कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके जिससे हम ये काम कर सकते हैं। आपके बने बनाए ये बॉक्सेस मिलते हैं, आपको ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो आप उनके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। चलें, तो इसको कंट्रोल एम करते हैं, काफ़ी हमने देख लिया, आगे भी ये देखते रहेंगे शेप। अच्छा, बाकी सब शेप्स वही हैं जो आपने वर्ड के अंदर देखे थे, ठीक है, येलो डॉट आपके आसार है, इनकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बता दी थी, ठीक है। इंसर्ट शेप, और नीचे हम आते हैं तो ये कुछ एक्शन बटन है, एक्शन बटन हाइपरलिंक की तरह काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो एक्शन बटन है वो हाइपरलिंक की तरह काम करते हैं। माउस लेके जा रहा हूँ तो वो कह रहा है बैक टू प्रीवियस, ठीक है, इसी तरह से वो कह रहा है फॉरवर्ड और नेक्स्ट, इसी तरह से वो कह रहा है बिगिंग, और इसी तरह से आपके फाइल का म्यूज़िक का आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी इसमें से आप बटन यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला बटन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया,
और जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया तो मेरे पास एक्शन सेटिंग आ गया, माउस क्लिक और माउस ओवर नन। अगर आप इसके ऊपर कोई हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं कि क्लिक करने पे कोई एक्शन हो, तो मैंने कहा कि भाई ये क्या करें, फर्स्ट स्लाइड पे ले जाए, ये फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, या मैं इसको ये वाली स्लाइड कह देता हूँ, कस्टम में फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, एंड स्लाइड शो स्लाइड्स, और ये कौन सी हमारी स्लाइड 3, ओके कर दिया। अच्छा, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये काम करेगा एक्शन बटन आपके प्रीव्यू में। मैं F5 का बटन प्रेस करता हूँ तो हम लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, ये देखिए आ रहा बटन, ये एक्शन बटन, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस स्लाइड पे जंप कर देगा। ये क्लिक करने पे आपने लगाना है, या आपने क्या करना है, एक्शन मतलब ओवर करने पर लगाना है, ये देखें माउस ओवर, ठीक है। अभी क्या हो रहा था कि मैं इसको क्लिक कर रहा था तो ये उस स्लाइड पे क्या कर रहा था, जंप कर रहा था, ये देखिए। ये दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा ये उस स्लाइड पे जंप नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम क्लिक पे भी लगा सकते हैं और होवर पे भी लगा सकते हैं। ये चीज़ें जो क्लिक हैं, होवर है, ये आप आगे जाके वेब एंड मोबाइल की क्लास में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो क्या होवर में आप में से कुछ को पता भी होगा, आप जस्ट माउस होवर करेंगे तो वो क्या करेगा, उस वो एक्शन परफॉर्म कर देगा। अभी हमने क्या किया हुआ, सेटिंग क्लिक करने पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये वाली आपके पास आ जाता है। फिर उसके बाद वही तमाम चीज़ें, हाइपरलिंक आपने शेप के ऊपर लगाना है, हाइपरलिंक आप शेप के ऊपर हाइपरलिंक लगा सकते हैं, ये हाइपरलिंक आप वर्ड के ऊपर भी, शेप के ऊपर लगा सकते हैं, एक्सेल के ऊपर भी लगा सकते हैं, पावर पॉइंट के ऊपर भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल के ऊपर ही हाइपरलिंक लगा सकते हैं, आप वर्ड के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, आप वर्ड के ऊपर भी शेप के थ्रू कोई हाइपरलिंक जनरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूटिव फाइल और वेब पेज और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, सेम वही हाइपरलिंक की शॉर्टकट की भी आपकी वही है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है एक्शन, ठीक है, आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, नेक्स्ट स्लाइड ऑब्जेक्ट वगैरह, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। मैंने कहा इस क्लिक के ऊपर मैं कुछ भी कोई URL शो करवाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर गूगल लिख दिया, तो ये क्या करेगा, मैं क्लिक करूँगा तो वो गूगल ओपन कर देगा, जिस तरह से आपका हाइपर लिख दीजिए, ओके ओके। मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये मुझे क्या करेगा, गूगल ओपन कर देगा। तो ये काम हम हाइपर लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। वो क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं कि आप माउस होवर के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, मतलब कि आप जस्ट होवर करें माउस तो ये क्या करें, आपको एक्शन परफॉर्म कर दें। उसके बाद आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, जिस तरह से आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में देखा था, वही तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हेडर फुटर के ऊपर, अब हम आ जाते हैं हेडर फुटर के अंदर। अच्छा, हेडर फुटर आपके माइंड में वही चीज़ आ रही होगी जो ऑलरेडी पहले हम पढ़ के आ चुके हैं वर्ड और एक्सेल के अंदर, ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं थोड़ी सी चेंज हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। क्या चीज़ें चेंज हैं कि यहाँ पर वो कह रहे हैं द कॉन्टेंट ऑफ द हेडर एंड फुटर रिपीट एट द टॉप एंड बॉटम, ठीक है, वही तमाम चीज़ें एवरी पेज पे वो क्या कर देगा, जो भी आपने हेडर में लिखा होगा या फुटर में लिखा होगा उसको रिपीट कर देगा, ऐसा ही है ना। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज है, तो यहाँ पे ना जो हेडर फुटर थोड़ा सा चेंज है, आपने वर्ड में देखा था, एक्सेल में देखा था कि आप अपनी मर्जी से जो भी टेक्स्ट है, आपने लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट चाहिए लेफ्ट साइड पे आप लिख लेते थे, राइट साइड पे चाहिए राइट साइड पे, पिक्चर लगानी पिक्चर, लोगो लगाना लोगो, जो भी एक्स वाई जेड आपने काम करना, पेज नंबर आपने टॉप पर नहीं लगाना बॉटम पर लगाना आप लगा सकते, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है ये देखें, आप हेडर फुटर पर आते तो आपका एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आपका स्लाइड आ रहा है। यहाँ पे तीन सेक्शन आपके सारे इंक्लूड ऑन स्लाइड, ठीक है, इंक्लूड ऑन स्लाइड के अंदर आपके सारे डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर और फुटर, स्लाइड नंबर और फुटर। राइट साइड पे आपके पास प्रीव्यू स्क्रीन आप देख सकते हैं, आपके पास प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पे तीन आपके बॉक्स बने हुए आ रहे हैं और यहाँ पे तीन चेक बॉक्स आ रहे हैं। मीन्स कि आप ये देखिए, अगर मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है जो डेट एंड टाइम आएगी वो आपकी आएगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब डेट एंड टाइम के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आपके पास आ रहा है ऑटोमेटिकली आ रहा है और दूसरा आपके पास आ रहा है फिक्स, दोनों का आपको मतलब पता है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आ रहा है स्लाइड नंबर, तो स्लाइड नंबर वो कह रहा है आपका आएगा राइट साइड पे और फुटर आएगा आपका सेंटर में, फुटर में जो भी आपने लिखना है, फुटर के अंदर आपने
जो भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई और अप्लाई टू ऑल आ रहा है, दोनों का आपको पता है। मैं अप्लाई करूँगा तो बस इसी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा, ये देखें, अप्लाई टू ऑल करता तो तमाम स्लाइडों के ऊपर अप्लाई होता। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, अभी तक आप ये समझें कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। डेट एंड टाइम है, अगर आप डेट एंड टाइम के ऊपर चेक लगा दें तो वो उसी जगह पे आएगा जहाँ पे सेटिंग हुई हुई है, ठीक है, सब के ऊपर यही आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डेट एंड टाइम आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है, आप कहेंगे डेट एंड टाइम राइट साइड पे आ जाए, तो अभी आप ये समझिए कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा था ना आपने, वही तमाम चीज़ें। टेक्स्ट इफेक्ट में आप आते हैं, ट्रांसफॉर्म में आते हैं, वही तमाम चीजें, ये देखें, वही तमाम चीजें जो आपने उसके अंदर पढ़ चुके हैं वर्ड एक्सेल के अंदर। उसके बाद डेट एंड टाइम, जैसे मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है क्विकली ऐड द करंट डेट और टाइम। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अगेन हेडर फुटर ओपन करके दे देगा, ठीक है। स्लाइड नंबर पे क्लिक करूँगा तो वो अगेन मुझे हेडर एंड फुटर ओपन करके दे देगा, अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट में क्या, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं, आपको बताया भी था, वर्ड के अंदर हमने देखा भी था, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या काम कर सकते हैं, जी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जो कमांड है वो आपको वर्ड में भी देखी थी आपने, एक्सेल में भी है और पावर पॉइंट में भी है। दूसरी फाइल ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल समटाइम हमें क्या होता है कि हमें वो पेंट पे कुछ चाहिए या अडोब इलस्ट्रेटर में चाहिए, हर तरह का आप काम कर सकते हैं इस पर रहते हुए। चले आज थोड़ा सा हम कुछ और आपको चीज़ें सिखा देते हैं। यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या कर देता हूँ अडोब, तो मेरे पास जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हुई होंगी वो तमाम यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। तो अडोब मेरे पास फोटोशॉप भी है और मेरे पास अडोब एलिस्ट्रेटर भी है, मैंने ओके कर दिया अडोब एलिस्ट्रेटर के ऊपर। ये काम हम न्यू स्लाइड पे कर देते ताकि आपको सही से, मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना जो अडोब एलिस्ट्रेटर पे, या तो मैं क्या करूँ वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करूँ, या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, क्यों दे दिया, क्यों दे दिया, क्यों दे दिया। इसके अलावा भी हमारे पास आ रहा है, नहीं वर्ड पे भी ये दे रहा है कि वर्ड पे दे रहा है ये कि नहीं, अच्छा द प्रोग्राम यूज क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इंस्टॉल कंप्यूटर इज नॉट इंस्टॉल, नहीं इंस्टॉल क्यों नहीं है, ये इंस्टॉल तो है, अच्छा ओहो काम कर रहा है, नहीं यहाँ पे ये वो बढ़िया फाइल पाथ इसका कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ होगा,
इस वजह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट की फाइल, जैसे कि अदर वर्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं एक्सेल के ऊपर, वो आपको बताया था सेपरेट फाइल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट की फाइल ऐड कर सकते हैं। इक्वेशंस, उसके बाद आपके सिंबल्स, तो सिंबल्स में आपके पास क्यों नहीं शो कर रहा ये सिंबल, डिसेबल हुआ है ये सिंबल, की जो कमांड है वो डिसेबल हुई है, ये सिंबल की जो कमांड है वो डिसेबल हुई हुई है। टेक्स्ट बॉक्स ही शो करेगा। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स में शो करेगा, क्योंकि जब हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, जो आपने देखा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, तो देन अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये सिंबल्स की कमांड शो हो जाएगी, जो भी आपने सिंबल यूज़ करने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे पास वेबडिंग जोर होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेबडिंग्स पे क्लिक करता हूँ, जो भी आपको सिंबल चाहिए आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सिंबल यूज़ करने हैं, यहाँ से आपको सिंबल नहीं मिल रहे तो आप माई एड ऑन्स भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप आते हो, ठीक है, और मैनेज अदर, मैनेज कह रहा हूँ, क्लिक किया आपने, स्टोर पे गया, जिस तरह से प्ले स्टोर, यहाँ पे कुछ परचेज के भी होते हैं, कुछ आपके पास फ्री भी होते हैं, तो मैं यहाँ पर आइकन लिखता हूँ। ये तमाम चीज़ें आपको आप वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। पावर पॉइंट में पता नहीं क्या इशू आ रहा है, चलें कोई दूसरा देखते हैं। चले यहाँ पे ये इशू कर रहा है, तो हम एक्सेल पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं तो मैं माय ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी हमने ऐड नहीं किया हुआ, मैं स्टोर पे जाता हूँ, और ये देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, QR कोड, तो ये मेरे पास डिफरेंट QR कोड के ऑप्शन आ गए, जो भी आपने यहाँ से यूज़ करना है आप ऐड करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो यहाँ पे आई होप ये आ जाएगा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। HTTPS, SMS, टेलीफोन नंबर, कस्टम, ठीक है, जो भी आपने QR कोड करने, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे HTTPS और आगे मैं लिख देता हूँ www. ठीक है, और google.com, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आते हो, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ इंसर्ट, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है वो आप कर सकते हैं, और मैं सिंपल सा इसको इंसर्ट करता हूँ, तो ये भी मसला कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद इसको हमने होम पे ही आने, होम यार ये कोई ना कोई मेरे MS ऑफिस के अंदर मसला आ गया,
फिर हैंग हो गया। अब जब आप इसको स्कैन करोगे डायरेक्ट, वो क्या करेगा आपको गूगल पे ले जाएगा, आप अपने मोबाइल से स्कैन करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको स्कैन करोगे तो ये आपको क्या करेगा गूगल पे ले जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी अपना, जैसे कि आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रही हैं, कोई पोस्ट के बारे में अगर आपने करना है तो आप यहाँ से आके इसको कस्टम, मैं यहाँ पर कुछ भी जैसे लिख देता हूँ, मैं ऑनलाइन कोर्स लिख देता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स लिख दिया मैंने, और मैं नीचे आता हूँ। इसका कलर चेंज करने में कलर चेंज कर सकता हूँ, ये डिफरेंट आपके इस कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें। और मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और जहाँ भी मुझे इसको पेस्ट करने में पेस्ट आके पेस्ट स्पेशल, और इसको बिट मैप कर देता हूँ। तो अब आप जब इसको स्कैन करेंगे, नहीं डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। आप डायरेक्ट पेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यहाँ पर विजिबल नहीं कर रहा, तो आपने वहीं से आके आपने करना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट किसी ने स्कैन किया, किसी ने स्कैन किया ये, तो आप स्कैन करेंगे ना, अक्सर आप विजिटिंग कार्ड के ऊपर देखते हैं, पोस्टर पोस्ट के ऊपर देखते हैं, तो आप स्कैन करते तो तमाम उसकी वेबसाइट का लिंक होता है, वेबसाइट का लिंक आ जाता है, ठीक है। QR कोड है, इसी तरह से आप बार कोड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एड ऑन्स करके यूज़ कर सकते हैं अपने MS ऑफिस के अंदर, वर्ड के अंदर भी, एक्सेल के अंदर भी, पावर पॉइंट के ऊपर भी। तो मुझे बताएं अगर किसी ने स्कैन किया, ये कोड स्कैन किया, सिंपल है, गूगल पे जाके भी उसको पिक्चर पे आप स्कैन नहीं करना आता। आप सिंपल है गूगल पे जाएं, ठीक है, क्या हो गया मोबाइल पे क्लास ले रहे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने क्या करना है, गूगल एक न्यू टैब ओपन करें गूगल का, ठीक है। गूगल का टैब आप ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नज़र आए, ठीक है, कुछ के तो कैमरे के अंदर भी आ रहा होता है, तो हम क्या कहें, आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास आ रहा है, आपने जैसे ये इमेज के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये स्विच विथ योर कैमरा, ये आपके पास आ गया, आपने स्विच विथ कैमरे पे क्लिक किया, और सिंपल सा जो आपके पास ऑप्शन QR कोड आ रहा है उसके ऊपर आपने आके इसको स्कैन कर लेना, तो वो जो भी टैक्स होगा वो आपको बता देगा डायरेक्ट। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एड ऑन्स पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ रही होती है, स्टोर पे मैप का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, अक्सर हम मैप, ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है जियोग्राफिक हिट मैप आपके पास आ रहा है। तो इस तरह से आप जैसे कि आपके पास हमने पेयर टेबल बनाया था तो उसके अंदर भी हम ये तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें सिटी वाइज क्या कर देगा, लोकेट कर देगा, सिटी वाइज लोकेट कर देता है। इसको आप चाहें, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और मैं अपने इस पावर पॉइंट में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस
इस तरह से समटाइम जो वर्ड एक्सेल पे काम नहीं हमारे पास और हो तो हम उसको वहाँ से जाके इजी से कर सकते हैं। अब जो मेन चीज आ जाती है, अब जो मेन चीज़ है वो है आपकी वीडियो और ऑडियो। आप पावर पॉइंट के अंदर किस तरह से वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं और ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। आप सबको वीडियो डाउनलोड करना आती है? अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कोई यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करनी है तो वो आपको आती है? यस ठीक है, आप आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चले हम भी वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। क्या करनी है, यूज करनी है ताजदार ऐड अप, ठीक है, अपने पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे www. से पहले एस भी लगा सकते हैं, नहीं यहाँ पे कहाँ पे लगाते हैं, मैं तो बहुत कैसे डाउनलोड करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं? यस, लिंक यूट्यूब में रहती है? नहीं, यूट्यूब पे नहीं रहनी चाहिए। आप जैसे कि मुझे क्या करनी है, वीडियो डाउनलोड करनी है और मैं वो किसी को सेंड भी कर सकूं। एक तो यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड आप करते हैं, किस तरह से डाउनलोड करते थे, वो आपके मोबाइल पे ही रहती है, वो आपके मोबाइल पे रहती है। हमें वो वाली नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि वो वीडियो डाउनलोड होकर हमारे PC में आ जाए। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, पता नहीं SS कहाँ पे लगाते हैं, उसके अलावा भी हम देख लेते हैं किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे न्यू टैब लिया और मैंने कहा YouTube वीडियो डाउनलोडर, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट आ गए SS शुरू में, मेरे पास क्यों मसला कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इस पाथ को जो मेरा URL है उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया और मैं इसको क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। MP4 में आपने डाउनलोड करना है, MP4 में डाउनलोड कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आपने इसको डाउनलोड करना है आप उसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सा डाउनलोड। जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो आप मेरे पास ये क्या होगा, ये देखें, हर किसी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है, हर किसी के अंदर डिफरेंट। अब ये वीडियो मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है, मैं जिससे चाहूँ उसको मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाई टू मेट हम करते हैं, वेबसाइट एक है, इसके अंदर से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेज किया लिंक, ठीक है, और ये देखें यहाँ से आप ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 160 के किस बिट में आपने करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये ऑडियो भी डाउनलोड कर लेता हूँ। वो तो मोबाइल से आप विडमेट वगैरह बहुत सारे आप कर सकते हैं ना, अगर आप सिस्टम में बैठे हो और हमें किसी वीडियो को डाउनलोड करके अगर सेंड करना है
ये आपने पास यूज़ करने, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, आपने पास डाउनलोड करके उसको यूज़ करना है, तो फिर आप क्या कर इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, ये मेरे पास ऑडियो भी डाउनलोड होगी और वीडियो भी डाउनलोड होगी। आप मैं इसको पॉज कर देता हूँ, अपने पावर पॉइंट पर हम आते हैं, आइकन को हमने डिलीट किया, उसके बाद वीडियो पे गए, ऑनलाइन वीडियो और वीडियो ऑन माय पीसी, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो और वीडियो ऑन माय पीसी। आप अपने पावर पॉइंट के अंदर ऑनलाइन वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैं क्लिक करता हूँ, दो तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो, एक तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख दूँ जो भी मुझे वीडियो क्या डाउनलोड करनी थी, जो भी मुझे वीडियो डाउनलोड करनी है ना, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख सकता था, ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया ताजदार आलम, एंटर कर दिया, क्लिक किया, इंसर्ट किया, और ये मेरे पास नीचे आप देख सकते हैं कि वीडियो इंसर्ट हो गए। मैं इसको प्ले करूँगा तो ये मेरी वीडियो क्या करेगा, प्ले कर देगा। देख रहे हैं आप, इसका आपने साइज इंक्रीज करना है, आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, मेरे एमएस, मुझे लगता है मेरा जो एमएस ऑफिस है ना वो नाराज हो गया कल के आपको देख के ना, तो ये सब चीज़ें, तो साइज आपने इसका इंक्रीज करना है, आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, प्ले कर दे यहाँ से, ठीक है, ये देखें, अच्छा यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये देखें, बट जब मैं इसको प्ले करूँगा ना तो इसका कलर बाय डिफॉल्ट जो था वही आपके पास आ जाएगा, वही आपके पास आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियो आ रही है, आपके सिस्टम में नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये वीडियो भी आपके पास प्ले नहीं होगी, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है, बात समझ में आई? अगर आपके पास नेट नहीं चल रहा तो क्या क्या होगा, हाँ एक्टिवेट नहीं है तो इस वजह से भी हो सकता है, दो तीन चीज़ें ये आपने बहुत ध्यान से समझनी है। मैंने आपको कहा वीडियो, आपने बहुत सारों ने कहा कि हम वीडियो डाउनलोड मैनेजर से भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, विडमेट से आप कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल आपका विडमेट नहीं है या डाउनलोड मैनेजर नहीं है, फिर आपको कैसे आप कैसे कर सकते हैं वो आपको पता चल गया, वाई टू मेट आप देखेंगे वेबसाइट, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का जो URL होता है उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे, आप ऑडियो में वीडियो डाउनलोड कर ऑडियो उसकी डाउनलोड करना चाहते हैं ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वो जो वीडियो की वो आपके सिस्टम में आ जाएगी, आप जब चाहें देख सकते हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं भी कनेक्ट तो आप देन तब भी उन वीडियो को देख सकते हैं सुन सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वीडियो जिस तरह से अभी हमने वीडियो इंसर्ट की थी, इस तरह से हम इंसर्ट करते हैं ऑनलाइन वीडियो, तो ये वीडियो तब भी आपकी प्ले होगी जब आपका आपका सिस्टम या लैपटॉप जो भी आपकी डिवाइस है वो कनेक्ट होगी इंटरनेट से, ठीक है, तो इसके ऊपर ऑनलाइन वीडियो के अंदर हम कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, बट जो हमारी अपनी वीडियो होगी, जो हमारी अपनी वीडियो होगी मीन अपने से मुराद जो हमने डाउनलोड करके हम इंसर्ट करेंगे उसके साथ हम जो चाहें काम कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसके अलावा भी आप वीडियो एक और तरीका होता है, आप इम्बैक कोड डाल देते हैं, क्या कर देते हैं इम्बैक कोड, ठीक है, ये यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, वो क्या चीज़ होती है आप ये इसका इम्बैक कोड का आप जब वेब एंड मोबाइल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा, अभी के लिए आप ये समझ लें कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं शेयर पर आता हूँ, शेयर पे आने के बाद सबसे पहला जो आपका लिंक आ रहा होता है इम्पैक्ट का वो मैंने कॉपी कर लिया, ये देखो, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, ये पूरा एक कोड लिखा हुआ है, इसकी हाइट विड्थ क्या होनी चाहिए, फ्रेम क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने कॉपी किया, पावर पॉइंट पर आता हूँ, वीडियो पे ऑनलाइन वीडियो, और मैं यहाँ पर आके ये पेस्ट कर दूँगा, एंटर कर दूँगा,
देन तब भी मेरे पास वो क्या करेगा, वीडियो को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो नीचे अगर आप देखें तो ये आपके पास वीडियो आ गई है। देखो मैं इसको प्ले करूँगा तो ये मेरी वीडियो को क्या कर देगा, प्ले कर देगा। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, डाउनलोड करके ही अपनी वीडियो को यूज़ करते हैं, ताकि अगर इंटरनेट नहीं भी है या कल को यहाँ से इसका पाथ चेंज हो जाता है तो ये इशू ना करे। क्या करेंगे, हमने जो वीडियो डाउनलोड किया उसको हम यूज करेंगे वीडियो ऑन माय पीसी, और ये मेरे पास वीडियो आ गई, इंसर्ट किया ये वीडियो आ गई। अच्छा अब इसको मैं प्ले कर सकता हूँ, ये प्ले हो गई। साइज इंक्रीज डिक्रीज करने में उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने वीडियो इंसर्ट की तो मेरे पास यहाँ पे टैब टूल्स अपेयर हो गया वीडियो टूल्स के नाम से, फॉर्मेट और प्लेबैक। अब इसके अंदर मैं जो काम करना चाहूँ, नहीं अगर आप डाउनलोड कर लोगे, अगर आप डाउनलोड कर ली जैसे अभी हमने डाउनलोड की तो हमारी वीडियो चलेगी, अगर इंटरनेट नहीं भी है तो देन तब भी हमारी वीडियो ये प्ले होगी। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो को इंसर्ट कर लिया अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है फॉर्मेट और प्ले बैक। अब प्ले से आप क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हो। ठीक है, करेक्शन से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो ब्राइटनेस वगैरह आपने देखा था, कंट्रास्ट वगैरह। ठीक है, कलर पे आते हो आप कलर चेंज कर सकते हो, जिस जो भी कलर आप रखेंगे आपकी वीडियो उसी कलर में प्ले होगी। ये देखें आपकी वीडियो उसी कलर में प्ले होगी, देख रहे हैं आप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्टर फ्रेम। पोस्टर फ्रेम के अंदर जिस तरह से आप यूट्यूब के ऊपर, हम जिसको कहते ना रियाज खान, हम उसके ऊपर आएंगे जब हम ऑडियो भी देखेंगे ना, तो वो भी आपको बताता हूँ, पहले ये आप देख लें। पोस्टर फ्रेम जिसको आप थंबनेल कहते हैं, अक्सर आप यूट्यूब पे देखते हैं, आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसका थंबनेल कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो प्ले होने से पहले, जैसे ये वीडियो आपकी पॉज है, स्टॉप है, तो यहाँ पर ये कोक स्टूडियो का लोगो नहीं आना चाहिए, बट जो मेरा बनाया गया पोस्टर है ना वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पोस्टर फ्रेम पर आता हूँ और करंट फ्रेम के ऊपर, करंट फ्रेम अभी हमने नहीं लिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इमेज फ्रॉम फाइल, और फाइल पे जाके मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दूंगा, ये वाली आपने देखा। मैं प्ले करूँगा तो ये मेरी फौरन से क्या करेगा, पोस्टर फ्रेम को हटा देगा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से अक्सर आप वीडियो में देखते हैं कि जो पोस्टर फ्रेम होता है बहुत स्लो 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 एग्जिट होता है, बिल्कुल वैसे ही काम करे। तो मैं प्ले बैक पर आऊँगा और यहाँ से ये देखिए मैंने इसको फेडिंग को इंक्रीज कर दिया, मैंने कर दिया 3। अब ये ध्यान से देखिएगा वीडियो का इम्पैक्ट, ये देखो जितना आपने ज़्यादा करना है आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप 10 करना चाहते हैं 10 करते हैं। ये देखें मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देखें, इसी तरह से आपने रीसेट डिज़ाइन, जो भी आपने जिस तरह से पिक्चर के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है रीसेट डिज़ाइन का, तो इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है रीसेट डिज़ाइन का। ठीक है, रीसेट डिज़ाइन करना है आप रीसेट डिज़ाइन कर दें, रीसेट डिज़ाइन एंड साइज करना है आप रीसेट डिज़ाइन एंड साइज कर दें। ये देखें मैंने क्लिक कर दिया तो जो भी रीसेट मैंने कलर्स वगैरह किए होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने रीसेट किया तो इसने अपने पिक्चर के हिसाब से उसको सेट कर दिया। ठीक है, तो मुझे पोस्टर फ्रेम अगर डिलीट करना है तो मैं इसको रीसेट कर दूँगा। ये देखें आप इस तरह से इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मैं इसका साइज फिर कम कर देता हूँ ताकि हम अपनी वीडियो को यूज़ कर सकें। फॉर्मेट पे आया, उसी तरह से आपके पास स्टाइल्स आ रहे हैं, फ्रेम्स आ रहे हैं, जो भी आपने फ्रेम लेना है वो आप फ्रेम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फ्रेम लेना है, ठीक है, सॉफ्ट एज ओवल। तो अब ये देखिएगा मैं जब वीडियो प्ले करूँगा तो ये इसी सर्कल के अंदर, ओवल के अंदर मेरी वीडियो प्ले होगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप,
जो भी आपने, इसी तरह से अगर आपने अपनी वीडियो किसी शेप में चेंज करना है, आप इसको अपनी शेप में चेंज कर सकते हैं। ये देखें आपकी पूरी वीडियो इसी तरह से प्ले होगी। आपने वीडियो को बॉर्डर, कोई बॉर्डर बॉर्डर देना है ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। इफेक्ट देने, आप इफेक्ट दे सकते हैं, वो ये तमाम चीज़ें जो हमने वर्ड के अंदर देख ली थी इफेक्ट्स वगैरह, तो वो सारा काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो काम आपने पिक्चर के साथ किया था वो इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी सी आपकी शेप कुछ हम ऐसे ही ले लेते हैं, जहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल ये शेप ले लें ठीक है, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो क्रॉप करना चाहूँ, मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ। ये देखें कितनी रखनी मुझे वीडियो, सर्कल देख रहे हैं आप, तो वो काम आप यहां से भी कर सकते हैं। विड्थ, हाइट और विड्थ इंक्रीज करनी है, आप अपने वीडियो की हाइट और विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद आपके साथ प्ले बैक, प्ले बैक के अंदर वही प्ले आप कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद हमने ये फेड का देख लिया था, आप फेड इन शुरू में भी लगा सकते हैं और फेड आउट के, मतलब जब आपकी वीडियो एंड होने वाली हो तो तब भी कुछ आपने अक्सर मैसेज, अक्सर आप वीडियो में देखते हैं, अक्सर आप वीडियो में देखते हैं कि वीडियो के स्टार्ट होने से पहले कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, जब वीडियो एंड हो जाती है फिर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो सारा काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। मतलब वो प्रोफेशनलिज्म से नहीं है लेकिन काम कर सकते हैं, अपना काम आपका हो सकता है। उसके बाद आपके साथ रहता है ट्रिम, मैं इसको क्या कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ ठीक है, कि इसको मैंने कहा रीसेट डिज़ाइन, तो रीसेट डिज़ाइन हो गया। अच्छा जी, ये फिर हमारा आज हमें एमएस ऑफिस बहुत तंग कर रहा है, आप लोगों से नाराज हो गया। चले हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। मैंने क्या किया, एक स्लाइड ले ली ठीक है, कंट्रोल एम किया और मेरे पास ये स्लाइड आ गई, और मैं इसका लेआउट ब्लैंक कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे वीडियो लगा दी आप यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड पे कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं ठीक है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अच्छा, स्लाइड शो करने के लिए हम क्या करते हैं, F5 का बटन प्रेस करते हैं, या तो आप यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक कर दें ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, स्लाइड शो करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हैं F5, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। F5 पे मैंने बटन क्लिक किया और ये वन बाय वन स्लाइड आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, एरो, अप एरो का बटन प्रेस करते हैं, ये देखें ठीक है। अच्छा, ये आपके पास इस तरह से आ रही है। अब कुछ चीज़ें आपने समझनी है प्ले बैक के अंदर, आप अपनी वीडियो को यहाँ पर ट्रिम भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई शुरू से वीडियो प्ले ना हो, आपकी वीडियो शुरू से ना प्ले हो, आप पावर पॉइंट के अंदर अपनी वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं शुरू से या लास्ट से, मतलब स्टार्टिंग से और एंडिंग से। मैंने कहा भाई मेरी जो वीडियो है ना, कम से कम जब ये आतिफ असलम की शक्ल आती है ना तब से प्ले हो, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, शुरू के 40 सेकेंड ट्रिम कर दिए, कट कर दिए, ओके करता हूँ, ये मेरी वीडियो ट्रिम होगी। अब ये देखिएगा वो लोगो शोगो कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट यहाँ से आपके पास वीडियो प्ले होगी। इसी तरह से अगर आपने लास्ट से वीडियो ट्रिम करनी है, आप लास्ट से ट्रिम कर सकते हैं, ये देखें ठीक है,
भी आपने वीडियो रखनी है वो आप रख सकते हैं। ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपकी वीडियो का ड्यूरेशन कितना कम हो गया हुआ है। कितना हो गया? 1 मिनट 3 सेकंड हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके साथ जाता है वॉल्यूम। आपने लो रखना है, मीडियम रखना है, हाई रखना है, म्यूट रखना है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है। वीडियो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं स्लाइड पे आ जाता हूँ, ये देखें शिफ्ट 5, और मैं जैसे ही इस स्लाइड पे आता हूँ तो ये मेरी वीडियो प्ले नहीं हो रही। क्यों नहीं प्ले हो रही? क्योंकि इसकी जो सेटिंग है ना वो ऑन क्लिक हुई हुई है। यहाँ पर अगर आप आएँ प्लेबैक पे तो ये देखें ऑन क्लिक, स्टार्ट ऑन क्लिक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैं स्लाइड पे आऊँगा मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी वीडियो को प्ले कर देगा। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये स्लाइड पे आए, जिस स्लाइड पे वीडियो, तो ये खुद ही मेरी वीडियो क्या हो जाए, प्ले हो जाए। आपकी वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाए। अच्छा, इसी तरह से आपके पास आगे हम ऑप्शन देखते हैं तो प्ले फुल स्क्रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो क्या हो जाए, प्ले हो फुल स्क्रीन के ऊपर। अभी क्या हो, जो साइज़ आपने रखा हुआ है उसी साइज़ के मुताबिक ये आ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी जो वीडियो ना, जब ये स्लाइड आए वीडियो वाली, तो मेरी वीडियो पूरी स्क्रीन पर फुल शो होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर चेक लगा दूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, प्ले बैक पर आता हूँ और मैंने प्ले फुल स्क्रीन कर दिया, शिफ्ट F5 हार्ड। ये देखें, ठीक है, जैसे ही मैं इस स्लाइड पे, ठीक है, ये देखें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही उस वीडियो पे आप आएंगे, उस स्लाइड पे आएंगे, तो वो क्या करेगा, आपकी वीडियो को फुल स्क्रीन पे प्ले कर देगा। अच्छा, ये जो बाकी के ऑप्शन है ये हम ऑडियो में देखते हैं, ये हम ऑडियो में देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास जो ये साउंड आवाज़ आ रही होती है, आवाज़ आपके पास आ रही होती है या नहीं आ रही होती? मेरी आवाज़ नहीं, जो अभी ये किस्मत, ये सारे ऑप्शन हम क्या किस में देखेंगे, ऑडियो में देखेंगे। अब मुझे बताएं आवाज़ आ रही होती है आपको? ओके, मेरी आवाज़ नहीं, ये ताजदारे हरम, ठीक है। ओके, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब कोई आपके पास आवाज़ आ रही है? आपके पास बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, देखें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे आ जाता हूँ, इंसर्ट, अब ऑडियो पे आता हूँ, ऑडियो ऑन माई PC और रिकॉर्ड ऑडियो, मतलब कि आप ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह से आप चाहते हैं रिकॉर्ड करना तो वो आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड साउंड आपने दे दिया, नेम आपने जो रखना है वो आपने दे दिया, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, ओके कर दिया, और ये आपकी लेंथ जो जो आप बोलते जा रहे हैं, ये आपकी ऑडियो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड किए जा रहा है, ठीक है। तो आप खुद से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप और जो भी आपने नात वगैरह या साउंड कोई भी आपने लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप खुद बोलें, आप खुद आपकी आवाज़ आए, तो वो काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो हम अभी ये हम यहाँ पे आते हैं ऑडियो ऑन माय PC और ये हमने कॉक स्टूडियो नात हमने की हुई है। तो अब यहाँ पर भी इसके अंदर ऑडियो के अंदर आपका फॉर्मेट के साथ कोई भी काम नहीं है, फॉर्मेट में कोई भी काम नहीं है आपका ऑडियो में, जो काम है वो यहाँ पे है प्लेबैक के अंदर। प्लेबैक के अंदर आप ऑडियो को भी ट्रिम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं तो अब आपने ध्यान से देखनी चीज़ें, आपके पास कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी, जैसे कि आपके पास ये आइकन भी शो हो रहा है, और जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा, जिस तरह से आपने वीडियो को देखा था इसी तरह से ऑडियो है, जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा मेरी ये ऑडियो प्ले नहीं होगी। ये देखें, ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लिक करने के बगैर, अच्छा क्लिक करने से पहले हमारे पास ट्रिम आ रहा है, हम ऑडियो को भी क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया ओके, 30 पे भी नहीं चलती, चल न कभी गवा।
हमने उसके 37 सेकेंड हमने क्या कर दिए, ट्रिम कर दिए, ठीक है आप ये देख सकते हैं, ओके कर दिया। अब मेरे पास जो वीडियो ऑडियो है ना, सॉरी, वो फ़ौरन से प्ले हो जाएगी जब मैं प्ले करूँगा। बट क्लिक करना पड़ रहा है मुझे, इसके अंदर भी फेड का कोई काम नहीं है। इसके अंदर ऑडियो के अंदर आपका एक ट्रिम ऑडियो का काम है, और दूसरा आपके पास ऑडियो ऑप्शन का, और तीसरा आपके पास ऑडियो स्टाइल का। इसके अलावा बाकी कोई इसमें काम की चीज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी ये ऑडियो मतलब ऑडियो वाली स्लाइड पर आए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, प्ले हो जाए। तो अब ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपको आवाज़ फ़ौरन से आ सके। ठीक है, तो F5 और ये देखें, क्यों नहीं आया। यार बहुत मसला कर रहा है आज, नाराज हो चुका है आपसे, मैं आपको बता रहा हूँ। हम कंट्रोल एम किया था, यहाँ पे हमने इसका लेआउट चेंज कर दिया ब्लैंक, और यहाँ पे हम क्या करते थे, नहीं यहीं पे यहाँ पे क्यों लगानी, यहीं पे हम लगा देते ऑडियो, इंसर्ट ऑडियो, ऑडियो ऑन माय पीसी, और ये हमारे पास आ रहा है, और हम इसको ट्रिम कर देते हैं। और ऑन क्लिक की जगह हमने ऑटोमेटिक क्लिक कर दिया। अब ये देखिएगा, क्यों नहीं हो रहा प्ले, क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, जब आप ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक कर देंगे ना तो वो आपके ऑडियो को खुद ही प्ले कर देगा, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप जब करेंगे तो आपके पास खुद ही वो क्या करेगा, जब उसको ऑटो पे आप क्लिक कर देंगे तो वो आपकी ऑडियो को खुद ही प्ले कर देगा। मेरे पास ये इशू आ रहा है, आपके पास आप करेंगे तो नहीं आएगा आई होप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्ले अक्रॉस स्लाइड, मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, शायद आवाज़ आ रही हो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, एक मिनट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ऑडियो को ट्रिम कर देते हैं। प्ले ऑटोमेटिक पे है, तो मैं हेडफोन लगा लेता हूँ ताकि मुझे नहीं। अच्छा, मैं ये मैंने क्लिक किया तो मेरे पास आवाज आई है। अच्छा, अब मैं जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, मेरी ऑडियो को स्टॉप कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियो है ये तमाम स्लाइड्स के ऊपर क्या होनी चाहिए, प्ले होनी चाहिए, तमाम स्लाइड के ऊपर ये साउंड आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्लेबैक पे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा प्ले अक्रॉस स्लाइड, प्ले अक्रॉस स्लाइड। ठीक है, तो अब ये आपकी ऑडियो को स्टॉप नहीं करेगा, जब तक आपकी स्लाइड एंड नहीं हो जाती आपकी ऑडियो चलती रहेगी। ठीक है, तो प्ले अक्रॉस स्लाइड में क्या होगा, जब तक आपकी स्लाइड एंड नहीं होगी तब तक ये आपकी ऑडियो चलती रहेगी। उसके बाद आपके पास आता है लूप अनटाइटल स्टॉप, लूप अनटाइटल स्टॉप का मतलब है कंटिन्यूसली आपकी ऑडियो चलती रहेगी। ठीक है, अगर आपकी ऑडियो शॉर्ट है और स्लाइड की लेंथ ज़्यादा है तो वो आपकी ऑडियो को क्या करेगा, रिपीट कर देगा। ठीक है, तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक आपकी स्लाइड एंड ना हो जाए। कब तक रिपीट करता रहेगा, जब तक आपकी स्लाइड एंड ना हो जाए।
या आप यहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड पे चेक लगा देंगे तो वो तमाम जगहों पे खुद ही चेक लगा देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और ना ही वो आइकन शो करेगा जो आपके पास ये आइकन शो हो रहा था, ठीक है, ना ही वो प्ले में स्लाइड प्ले शो में आपके पास ये शो करेगा, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इंसर्ट का टैब कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ऑडियो वीडियो आप कोशिश कीजिएगा, बहुत इशू आ रहा था हमारे पास यहाँ पे, क्या कर सकते हैं। तो शेप्स का आपको मर्ज शेप का समझ में आ गया था, हेड फुट का आपको समझ में आ गया था, एक्शन वर्टिकल का समझ में आ गया था। उसके अलावा हमने ऑडियो वीडियो डाउनलोड करना देखी, ऑडियो डाउनलोड करना देखी और किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर हम वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो और वीडियो आपको पता है कि हमारे क्या होता है, ऑन क्लिक पे होती है, हम उसको ऑटोमेट पे भी कर सकते हैं कि जैसे ही वो हमारी ऑडियो वाली स्लाइड आए या वीडियो वाली स्लाइड आए तो वो खुद ही प्ले कर दें। ऑडियो के अंदर आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑडियो है वो तमाम स्लाइड के ऊपर कंटिन्यूसली प्ले होती रहे, तो आप क्या करेंगे, लूप अनटाइटल के ऊपर चेक लगा देंगे, लूप अनटाइटल के ऊपर। तो उससे क्या होगा, अगर आपकी स्लाइड चेंज होगी तो वो आपकी ऑडियो स्टॉप नहीं करेगा बल्कि के कंटिन्यू वो प्ले रखेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है लूप अनटाइटल, लूप अनटाइटल नहीं, प्ले अक्रॉस स्लाइड में भी देखो, प्ले अक्रॉस स्लाइड में होगा कि अगर आप स्लाइड चेंज करेंगे तो आपकी क्या होगी, ऑडियो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। लूप अनटाइटल में क्या होगा, अगर आपकी ऑडियो की लेंथ छोटी है और आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की लेंथ बहुत बड़ी है, तो अगर लेंथ छोटी है तो वो क्या करेगा, अपनी जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आप लूप अनटाइटल पे चेक लगा देंगे तो वो तब तक रिपीट करता रहेगा आपकी ऑडियो को जब तक आपकी स्लाइड एंड ना हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देन क्लास हम वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तो जो आपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई उसके अंदर आप ऑडियो भी ऐड कर लें और वीडियो भी ऐड कर लें ताकि अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, देन फिर हम क्लास वाइंड अप करें। तो आज की क्लास में बहुत मसला हुआ, कोई चीज़ समझ में ना आए तो ग्रुप में, वो ओनली एडमिन किया हुआ तो मैं उसको रिस्ट्रिक्शन को हटा दूंगा, तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑडियो और वीडियो का बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो ट्रिम भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप वीडियो के अंदर अपना कलर, जो कलर थीम आप ले कर चल रहे हैं वो कलर भी आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।